ठीक ही आपको समझ में आ गया, ये निकाला लगाना तो है ना। हाँ ये तो होता है। सबसे पहले आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि ये क्या है, इसमें बेक काउंटर क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है, ये सब कुछ कोड है। सबसे पहले आपको ये यहाँ से मेनू लेना पड़ेगा, जो भी मेनू चाहिए। आप मान लो कि ये सीएस, ये कुकिंग सीक्रेट है, कुकिंग सीक्रेट हमें चाहिए, सीएस सेलेक्ट कर लिया। एक बार स्टार्ट बटन दबाना है सेलेक्ट करने के बाद मेनू, उसके बाद आपको कोड सेलेक्ट करना है। जो भी कोड है आपको, ये मान लो कि ये सीएस फोर में घी है, उसके बाद आपको ये स्टार्ट नहीं करना है, वेट सिलेक्ट करना है 500 ग्राम ऑटोमेटिक ले लिया, फिर स्टार्ट करना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, एक बार में इस बटन से स्टॉप होगा एंड दो बार में प्रोग्राम जो भी चल रहा हो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे इसका मेनू सिलेक्ट करना है इधर से, फिर स्टार्ट करके यहाँ से वेट दे के स्टार्ट करना है। इस साइड मेनू, इस साइड टाइमर लेगा। जैसे अगर कुछ गर्म करना है तो इधर लीजिएगा ना, ये टाइम ले लेगा। ठीक है, टाइम बढ़ता जाएगा, फिर आप स्टार्ट कर दो, कुछ भी गर्म कर देगा नॉर्मली, टाइम अगर देना चाहे। दूसरा है कि ये क्यूक स्टार्ट भी दिया हुआ है, दबाते रहिए टाइम लेता रहेगा, ये ऑटो स्टार्ट है। ये होगा माइक्रोवेव, ओनली माइक्रोवेव यूज करना है तो आप माइक्रोवेव यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होगा वेट और क्लॉक, जैसे हमने वेट सिलेक्ट किया ना वैसे ही आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया हाई वन और हाई टू, जो 50 और 100 पे रहता है टेम्परेचर इसका। अगर ग्रिल यूज करना है, माइक्रो ग्रिल है एंड माइक्रो प्लस ग्रिल है, ग्रिल में केवल ग्रिल करेगा, माइक्रोवेव में गर्म के साथ भी ग्रिल करेगा। ये हो गया स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट चॉइस में 50 डिग्री टेम्परेचर पर खाना रखेगा, आप जितना टाइम के लिए चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि डीओ ड्राई, अगर कुछ जलने की स्मेल आ रही है आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो ओनली फैन चलेगा 5 मिनट के लिए, धुआं बाहर निकलेगा। स्मार्ट चॉइस को क्लिक करोगे तो हाँ, एक बार दबाओ, दो बार दबाओ, तीसरी बार क्लीनिंग का हो गया, स्प्रे मार क्लीन करना है या एक बॉल में पानी रख के तो नींबू निचोड़ के इसको चलाना 5 मिनट, उसके बाद वायर निकाल के फिर इसकी सफाई करनी। ये हो गया कन्वेक्शन मोड, अगर यूज करना प्लस माइक्रो कन्वेक्शन तो आप कर सकते हो, माइक्रोवेव में गर्म करेगा, कन्वेक्शन बेकिंग के लिए। जब आपको आसानी हो जाएगी।